Hey everyone, before moving to the video, there is a disclaimer here कि मैंने जो प्रोडक्ट है ये खुद से परचेज किया है. आई बॉट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम Amazon. सो दिस वीडियो इज 100% नॉन स्पॉन्सर्ड. जो भी मुझे जेनुइनली फील हुआ अबाउट दिस प्रोडक्ट वो मैं आप लोगों को बताऊंगी. जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो चीज़ें मुझे बेकार लगी, और एंड में बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आप जो भी रेगुलर सीरम्स यूज कर रहे हैं उसे आप कंटिन्यू कीजिए. एंड नाउ लेट्स मूव टू द वीडियो. What's up and welcome to my channel. If you are new here, then make sure to subscribe to my channel, like this video, comment down your suggestions for next video and follow me on Instagram. So आज ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सब जल्दी से प्रोडक्ट के बारे में ही बात करते हैं और इस वीडियो की लेंथ को जितना हो सकेगा उतना शॉर्ट रखेंगे. बाय द वे एक चीज मैं बताती हूँ कि मैंने ये वीडियो को कल शूट किया था और कल शूट करने के बाद मैं मुझे लगा वीडियो अच्छी बन गई है. एंड व्हेन आई स्टार्टेड एडिटिंग आई वाज लुकिंग सो हॉरिबल क्योंकि मैंने इतना गंदा ही मेकअप किया था. देन अगेन मैं इस वीडियो को आज फिर शूट कर रही हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो आज ही आपको देखने को मिल जाएगी. बाय द वे द डेट टुडे इज 10th of October. यस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट बाय लॉरियल. दिस इज द लॉरियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम. This is how the packaging looks like. It comes in a cardboard box like this. So मैंने इस प्रोडक्ट को अभी तक दो बार यूज किया है और दो बार यूज करने के बाद में मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में क्या लगा वो चीजें तो मैं बताऊंगी. उससे पहले छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, लाइक हाउ द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग कैसी है, सारी चीजें कैसी हैं वो डिस्कस करना भी जरूरी होता है. देन लास्ट में बताऊंगी कि अब आपको इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए. तो वो चीजें एक बार देख लेते हैं पहले. और अंदर से कुछ इस तरीके की बॉटल में आता है. दिस इज़ अ ग्लास बॉटल, यानी कि ये कांच की बॉटल में आता है. ये इसका कैप है और पंप वाली पैकेजिंग है इसकी. लाइक इस पंप को प्रेस करके प्रोडक्ट बाहर आता है. यहाँ पे भी प्राइस और बाकी सब चीज़ें मेंशन है, लाइक दिस इज़ अ वर्सेटाइल प्रोडक्ट एंड ऑल. ये सब चीज़ें यहाँ पर मैंशन है और इस तरीके से ये दिखता है. सबसे पहले कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या चीज़ें बेकार हैं ये देख लेते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है और फिर आगे बात करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में. तो कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं, एज यू कैन सी दिस इज नॉट सो रनी, नॉट सो थिक. दिस इज लाइक दिस. This is the consistency and greasiness है या नहीं ये हम हेयर पे तो देखेंगे. अभी हम ये देखते हैं कि इफ़ इन केस मैं इसको टिश्यू से यहाँ पर रिमूव करती हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पे मेरे को ग्रीसीनेस फील नहीं होती. हाँ थोड़ा सा शाइन और ये सब रह जाता है, बट यहाँ पे मुझे ज़रा भी ऐसा नहीं लग रहा लाइक मैंने कुछ टिपिकल ऑयल जैसा कुछ लगाया हुआ है. आई मीन बहुत मूजी सा फील हो रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बहुत ही थिक सा या फिर बहुत ही कुछ चिपचिपा सा लगाया हुआ है. सो अब मैं इस सीरम को अपने हेयर्स पर लगा के देखूंगी लाइक किस तरीके की शाइन ये मेरे हेयर्स को दे रहा है और कितनी क्वांटिटी में मुझे ये लगाना पड़ रहा है. तो आई विल स्टार्ट विथ ओनली 2 ड्रॉप्स. मैंने 2 ड्रॉप्स यानी कि 2 पंप्स मैंने इस प्रोडक्ट से लिए हैं और अपने हेयर्स पर लगाए हैं. लाइक मैं आपको क्लोज व्यू दिखाती हूँ कि ये मेरी हेयर्स की फ्रिज को तो काफ़ी अच्छे से ख़त्म कर ही रहा है. साथ ही साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा शाइन भी दे रहा है मेरे हेयर्स को, क्योंकि मैं इसे 2 बार अप्लाई कर चुकी हूँ और ये वीडियो मैंने अराउंड 3-4 बार बनाई है. तो दूसरे दिन भी शाइन तो लगभग ठीक थी और आपकी स्कैल्प भी ऑयली नहीं रहेगी. बट हाँ, अगर आपके फ्रिजी हेयर्स हैं ना तो आपको थोड़ा क्वान्टिटीज़ की ज़्यादा लगानी पड़ेगी, अदरवाइज नेक्स्ट डे ना मतलब हो सकता है फ्रिज की प्रॉब्लम फिर से हो जाए. लाइक बहुत सारी गर्ल्स के बहुत कर्ली हेयर्स होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है. और ओवरऑल मुझे इसका एप्लीकेशन पसंद आया, मतलब एप्लीकेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी. बस मुझे यही लग रहा है कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू द अदर सीरम्स. सो गाइस सी,
अगर आप कोई ऑलरेडी सीरम यूज कर रहे हैं जिससे आप 100% सेटिस्फाई हैं और आपका मन नहीं है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट करें, अगर आपको वो 100% सूट करता है देन देयर इज नो नीड कि आप इस वाले को परचेज करें। बट हाँ, इफ यू आर लुकिंग फॉर कि कुछ नया ट्राई करना है, लाइक मुझे ऐसा था कि मैं अपना वाला स्ट्रिक्स का यूज करते करते काफी परेशान हो गई थी क्योंकि मैं काफी सालों से उसको यूज कर रही हूँ, तो मैंने वेट किया कि वो वाला मेरा खत्म होने जब खत्म होने वाला हो तो मैं उसको परचेज करूँ। वो अराउंड 1 वीक जितना ही बचा है तो मैंने इसको परचेज किया क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना था, थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करना था इसीलिए। एंड एक चीज मुझे लगी कि इसकी क्वांटिटी तो काफी ज्यादा मिल जाती है, लाइक इन 500 रुपीज, बट आपको इसकी मतलब क्वांटिटी ज्यादा भी लगानी पड़ेगी। मुझे ऐसा फील हुआ कि ये, क्योंकि दिस इज वेरी नॉन ग्रीजी, ये बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं कर रहा, बट जिनको फ्रिज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लाइक जिनके बहुत ज्यादा कर्ली हेयर्स होते हैं, उनको इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा लेनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू द अदर सीरम्स जो भी और होते हैं, तो थोड़ी सी मुझे ज्यादा लगी। बट उसमें मुझे एक चीज ये अच्छी लगी कि सेकेंड डे, कई बार क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी सीरम ज्यादा लगा देते हैं ना तो सेकेंड डे क्या होता है कि मतलब स्कैल्प बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है, तो मुझे वो बिल्कुल फील नहीं हुई। दूसरे दिन मेरी स्कैल्प एकदम नॉर्मल थी, विच इज अ गुड थिंग आई थिंक। अगर और मतलब दिस नॉट अ प्रोफेशनल सीरम, तो मैं और सीरम से अगर कंपेरिजन करूँ देन दिस इज स्लाइटली प्राइजी आई गेस। बाकी ये लोग बोल रहे हैं कि ये ऑयल का भी काम कर जाएगा और काफी सारे इसके मल्टीपर्पज है, बट देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट बात ये है कि अगर क्योंकि अपना माइंडसेट ऐसा होता है कि ऑयल के नाम पे हम ऑयल ही यूज करना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, हम सीरम को जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स हैं ऑयल वाले भी, ऑब्वियसली हम उसको नहीं यूज करेंगे एज अ ऑयल। हम इसे एज अ 90% और मोर देन 90% लोग इसको एज अ सीरम यूज करेंगे, तो उसके हिसाब से इट इज स्लाइटली प्राइजी, बट इनके हिसाब से जो उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्पज है तो कह सकते हैं कि प्राइस इज ओके, 500 रुपए का थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे लग रहा है। अदरवाइज आई लाइक द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज गुड। एंड सबसे ज्यादा अच्छी चीज मुझे लगी इसकी, दिस वेरी लाइटली सेंटेड। बाकी के जो भी सीरम होते हैं ना वो बहुत ही हैवीली सेंटेड होते हैं, मुझे इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है किसी भी प्रोडक्ट में, मतलब माइल्ड सी ही पसंद है। जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही माइल्ड है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड ओवरऑल मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा। So guys, that's all for this video. I hope ये video आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो give this video a big thumbs up and comment down your suggestions. Follow me on Instagram for more updates and what else? And one more thing, around 11 से लेके 20 तक मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलने वाली है क्योंकि बहुत सारी हॉल वीडियोस आने वाली है, फेस्टिव हॉल और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो वीडियोस में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, बाय।